कॉफी हाउस में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की पत्रकार वार्ता, महिला थाना प्रभारी पर लगे आरोपों को बताया निराधार। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज कॉफी हाउस में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पाठक को बताया निर्दोष। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज कॉफी हाउस में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रीवा की महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक को निर्दोष बताया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भारती शर्मा, स्वर्गीय अरविंद शर्मा, कैंसर वेलफेयर सोसाइटी सुजीत द्विवेदी, शहीद भगत सिंह सेवा समिति, श्रीधर पांडे कराटे कोच, श्लेषा शुक्ला बेंसिंग हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बताया कि विगत दिनों दुर्गा जायसवाल निवासी जिला सिंगरौली द्वारा महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक पर निराधार आरोप मात्र इसलिए लगाया गया क्योंकि प्रियंका पाठक पुलिस विभाग के दिशा निर्देशों द्वारा कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध थी। वहीं बताया गया कि महिला थाना प्रभारी पर निराधार दोषारोपण लगाकर सोशल मीडिया में व्यक्ति विशेष तथा पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे पुलिस मित्र, जनसंवाद, गुड टच बैड टच इत्यादि को असफल बनाने का कार्य किया गया है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ गलत होने से पुलिस का मनोबल गिरता है, इसलिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। सामाजिक संगठन हम लोग एकत्रित हुए हैं और सामाजिक संगठन को दायित्व बनता है कि कहीं पे भी अगर गलत कुछ हो रहा है तो हम लोग खड़े होकर एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। अगर इस ढंग से किसी के प्रेशर में आके एक्शन होने लगेंगे तो न केवल पुलिस, किसी भी जो सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं या जो कर्मचारी हैं वो फ्री होके काम नहीं कर पाएंगे, वो प्रेशर में रहकर काम करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जिस पोस्ट पे बैठा है वो अपनी ताकत पे बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे बैठा हुआ है तो उनके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ भी ना हो। बस हम लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपका नाम बताइए। श्रीमती भारती शर्मा। जी, आज ये सामाजिक संगठनों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक महिला थाना प्रभारी थे प्रियंका पाठक और 23 अप्रैल की एक घटना है जिसमें एक महिला श्रीमती दुर्गा जायसवाल जी के द्वारा उन पर ये आरोप लगाया गया था कि थाने में उनके साथ मारपीट की गई है और इसकी वजह से उनका गर्भपात हुआ है। बाद में हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि MLC रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कोई भी ऐसी वारदात वहां पे नहीं हुई थी। CCTV फुटेज की भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई मौखिक तरीके से कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसके कारण ऐसा गर्भपात हुआ है। चूँकि समाज में आजकल बिना किसी आधार के और हमारे जो सोशल मीडिया है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई भी ठोस सबूत नहीं होता और हम किसी पर भी लांछन लगा देते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एक कोई अधिकारी यदि काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसी कुछ घटना श्रीमती प्रियंका पाठक जी के साथ हुई। पुलिस द्वारा विभागीय जांच में कोई भी ऐसी घटना नहीं पाई गई जिसके कारण वो दोष सिद्ध होती हैं, फिर भी उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। जहाँ तक श्रीमती प्रियंका पाठक का ही सवाल नहीं है बल्कि कई सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही लगन के साथ समाज के लिए एक अच्छे प्रेरणा स्रोत बन के काम करते रहते हैं और पुलिस का डर है, इसीलिए आज हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। चोरों को डर है, यदि हमें कोई समस्या होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कई ऐसे प्रयास भी कर रही है, पुलिस मित्र जैसे कार्यक्रम की वजह से, जिनके कारण जो समाज में पुलिस की उत्तम छवि बनी रहे और जो पुलिस और समाज के लोगों के बीच दूरियाँ हैं या मन मुटाव हैं या गलत भ्रांतियाँ हैं वो दूर रह सके। यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुलिस को लांछन लगाया जा रहा है तो लोग, सामान्य जनता यही सोचती है कि पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है तो सामान्य जनता की क्या सेवा कर पाएगी। तो हम सबका यही अनुरोध है, चूंकि रिपोर्ट उनकी क्लियर है तो उनको लाइन अटैच से हटाया जाए और उन्हें सम्मानजनक जिस पोजिशन में थी उन्हें उस पोजिशन पर उन्हें पुनः स्थापित किया जाए ताकि जो पुलिस के मन में, लोगों के मन में पुलिस के लिए एक सद्भावना है और एक प्रेरणा है और एक ये मानते हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती है, वो समाज के बीच में कायम रहे।